वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम बात करेंगे रांची टिकट कलेक्टर 2005 के पेपर के बारे में, जो कि सामान्य ज्ञान का पार्ट होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं रीजनिंग और मैथ का बना देंगे। तो दोस्तों जान लेते हैं, दोस्तों जो व्यक्ति नया है चैनल पर उसको मैं करूँगा गुजारिश कि चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों जान लेते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? विजयलक्ष्मी पंडित, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, दादाभाई नौरोजी। दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा ये, दादाभाई नौरोजी। दोस्तों हमारे ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दोस्तों आपको पता ही होगा। और दादाभाई नौरोजी ने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले भारतीय प्रति व्यक्ति आय भी ज्ञात की थी। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय जब थी अपनी भारत की, जब इन्होंने ज्ञात की थी 20 रुपये प्रति वर्ष व्यक्ति। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, भारत द्वारा पहला भूमिगत नाव के परीक्षण किस वर्ष किया गया? 1974। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत द्वारा पहला भूमिगत नाव के परीक्षण 1974 में किया गया था। इसी के बाद दोस्तों एक NSG की स्थापना हुई थी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसमें 48 देश सदस्य हैं अभी करेंट में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया? कलिंग विजय के उपरांत दोस्तों अशोक ने इतनी यहाँ पर रक्त वहाँ पर इतनी रक्त की वो दोस्तों रक्त बहाव की दोस्तों वो हुई थी, लड़ाई हुई थी कि दोस्तों उसको दया आ गई थी। तो उसने दोस्तों उसके बाद किया था कि वह उसके बाद वो युद्ध नहीं करेगा। तो उसके बाद दोस्तों उसने क्या किया था, उसके बाद दोस्तों उसने स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संवैधानिक सुधारों से संबंधित क्वेश्चन नंबर 4, संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? बंग आंदोलन, ये हुआ था 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच दौड़ने वाली भारत की पर्वतीय रेलगाड़ी किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों सिलीगुड़ी कहाँ है पता है आपको, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों जो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग दौड़ती है इसको पर्वतीय रेल कहते हैं। दोस्तों इसको दोस्तों क्या नाम दिया गया है, यात्री ट्रेन, टॉय ट्रेन, पिकनिक गाड़ी या फिर शाही ट्रेन? दोस्तों ऑप्शन नंबर ये इसका बी राइट आंसर होगा, टॉय ट्रेन कहते हैं दोस्तों इसको। दोस्तों आपको पता होगा दार्जिलिंग के बारे में पता होगा आपको, यहाँ पर सबसे पहले भारत की विद्युत योजना बनाई गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक पर्वतीय नगर भी है दोस्तों आपको पता हो दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरिहरन बुक्का ने इसकी स्थापना की थी 16वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी? तो इसका आंसर होगा हमारा 14वीं शताब्दी। ये दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? आपको पता होगा सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, 22 गज, 24 गज, 23 गज या 21 गज? ऑप्शन नंबर ई बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, 22 गज। दोस्तों विकेटों के बीच में बीच की दूरी होती है, विकेटों के बीच मतलब पिच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? आपको पता होगा वास्को डी गामा दोस्तों 1498 में कहाँ उतरा था, कालीकट में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 10 का बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट सबसे पहले कहाँ खेला गया था? आपको पता होगा सबसे पहले क्रिकेट इंग्लैंड में खेला गया, वही इसका जन्मदाता कहलाता है, लॉर्ड्स, क्रिकेट का मक्का कहलाता है दोस्तों, आपको पता होगा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये क्रिकेट ग्राउंड है इंग्लैंड का। आप लोग मैच देखते होंगे तो अक्सर ही आपने सुना होगा उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, सुब्रत कप निम्नलिखित है से संबंधित है, हॉकी से, फुटबॉल से, टेनिस से या फिर बैडमिंटन से? दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा डी, सुब्रत कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओबरा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ओबरा यूपी का शहर है, यहाँ पर हमारा थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों,
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान का है, सामान्य जनरल साइंस का है दोस्तों। इसको क्या क्या है क्वेश्चन में क्या किया गया है एक बार और देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है दोस्तों। मोतियाबिंद या ग्लूकोमा या मायोपिया या कंजेक्टिविटी वाइज। दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा सी, मायोपिया। दोस्तों इसको निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं दोस्तों। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष और हाइपर मायोपिया को दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष दोस्तों आपको पता होगा अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है, और दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशु टेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। विक्रम सेठ, सुभाष डे, खुशवंत सिंह या सुभाष चित्रा सुब्रमण्यम। दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ए, आशु टेबल बॉय के लेखक हैं विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 16 नंबर क्वेश्चन, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। दोस्तों दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट खनिज प्रोटीन। आपको पता होगा कैल्शियम, और ये बने रहते हैं एनामिल के, दांत बने रहते हैं एनामिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हृदय रोग है। आपको पता होगा एंजाइना पेक्टोरिस या एल एपिलेप्सी या कैटरेक्ट या फिर ट्यूमर। दोस्तों 17 का होगा हमारा ए राइट आंसर, हमारा एक हृदय रोग है एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दद्दा ध्यानचंद, ये हमारे झांसी के थे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे झांसी में बहुत ही प्रसिद्ध थे दोस्तों ये दद्दा ध्यानचंद। इन्होंने भारत को कई बुलंदियाँ स्थापित की हॉकी के बारे में। दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है इनका जन्मदिन, आपको पता होगा ध्यानचंद। तो भारत सरकार ने इन्हीं के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19, किससिल क्या है। दोस्तों आपको पता होगा किससिल एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, जैसा कि ऑप्शन ए दिख रहा होगा 19 का, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है किससिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किसके निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को रोक दिया है। IOC और ONGC, HPCL, BPCL। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी राइट आंसर होगा, HPCL। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है। आपको पता ही होगा दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं कथकली, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी दोस्तों हमारा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कथक हमारा कहाँ का, यूपी का है। कथकली हमारा कहाँ का, केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। दोस्तों ये हमारे कौन से नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, अग्निशामन में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन। दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व रेवेन्यू कौन सा स्रोत अर्जित करता है। दोस्तों इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा थोड़ा। इसको इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि हर साल आंकड़े अलग अलग होते हैं, क्योंकि अब तो GST आ गया है। इससे पहले दोस्तों क्या था, किसी टैक्स से कोई ज़्यादा कमाई होती थी भारत सरकार को, तो उसमें दोस्तों कस्टम भी आता था और कॉरपोरेट भी आता था। तो इस पे यहाँ पर आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का है ए, एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों जो हमारी एक्साइज ड्यूटी वो होती है जो हमारे उत्पादन पर लगाई जाती है, उसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। कुछ कोई वस्तु पर, किसी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं तो उस पर सरकार को कर देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी कहलाती है। और कस्टम तो आप जानते होंगे, कॉरपोरेट आप जानते होंगे, जो कंपनियाँ रहती हैं वो कॉरपोरेट टैक्स देते हैं, वो आयकर व्यक्ति देते हैं, आप लोग पता है जिसकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अब जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे उसकी जगह GST लाया गया है। भारत में सबसे पहले असम में लाया गया था, सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में लाया गया है, और अप्रत्यक्ष कर को समाप्त करके GST लगाया गया है। लेकिन प्रत्यक्ष कर जैसे कि तैसे लगते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है। आपको पता होगा टाइफाइड द्वारा क्या होता है प्रभावित, यकृत, तिल्ली, फेफड़े, आंत। तो दोस्तों 24 का दोस्तों हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, आंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, लड़ाकू विमान जो इसका दोस्तों नाम है मिराज, लड़ाकू विमान मिराज बनाता है रूस, जर्मनी, फ्रांस या USA। दोस्तों हमारा कौन बनाता है दोस्तों, यहाँ पर हमारा 25 का हो जाएगा हमारा सी,
लड़ाकू विमान फ्रांस दोस्तों बनाता है? मिराज दोस्तों लड़ाकू विमान फ्रांस बनाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो। 27 भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950 और 1950 के बाद 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना बनी, तो 1950 में इसकी स्थापना हुई, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा 27 नंबर का। हाँ दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया है, 26 नंबर देख लेते हैं। अल्फ्रेड नोबल जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, यह किस देश के थे? बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अल्फ्रेड नोबल किस जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, यह किस देश के थे? डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। दोस्तों ये हमारे कहाँ के थे? 26 का होगा हमारा बी, ये हमारे दोस्तों स्वीडन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत कौन सा है? दोस्तों आपको पता होगा, जैसे कि ऑप्शन दिख रहे हैं, गेहूँ, दाल, चावल, हरी सब्जियाँ। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन दोस्तों शाकाहारी व्यक्ति को दाल से मिलता है। कौन सी दाल से? सोयाबीन। सोयाबीन कहाँ पाई जाती सबसे ज़्यादा? MP में और ऑल वर्ल्ड में हमारी अमेरिका में। दोस्तों सोयाबीन में 44% लगभग प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन की दाल में। दूसरा नंबर पाया जाता है हमारी मूँगफली में, क्योंकि गुजरात दोस्तों सबसे ज़्यादा वहाँ पर होती है गुजरात में, दूसरा नंबर मूँगफली में प्रोटीन पाया जाता है, पहला नंबर हमारा सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष आधारित है? दोस्तों सम्मत युग, सतयुग, क्रिश्चियन युग या कलयुग। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा दिया गया है बी, भारत का हिंदू कैलेंडर दोस्तों सतयुग पर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सन 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबा से कौन पराजित हुआ? बाबा से दोस्तों 1526 में कौन पराजित हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद तुगलक, या फिर फिर शेर शाह सूरी, या फिर इब्राहिम लोदी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, इब्राहिम लोदी। दोस्तों इसके बाबर पानीपत की पहली लड़ाई में दोस्तों पराजित हुआ था, बाबर जीत गया था, बाबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखा आंदोलन से कौन जुड़ा है? दोस्तों आपको पता होगा गोरखा आंदोलन कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ था, और इसमें पश्चिम बंगाल में मांग की जा रही थी कि एक नया राज्य गोरखालैंड बनाया जाए। इसका मुखिया दोस्तों कौन था? सुभाष घी सिंह, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भीष्म साहनी ने नहीं लिखी? तमस, पिंजर, नीलू, नीलिया, नीलाफोर, या फिर आज की अतीत। दोस्तों इसमें से एक पुस्तक नहीं लिखी इसने भीष्म साहनी ने, उसका नाम बताना है। उसका नाम दोस्तों हमारा सी, पिंजर। दोस्तों तमस, आज की अतीत, नीलू, नीलिया, नीलिया, नीलमा, नीलूफुर, तीनों पुस्तक लिखी है पिंजर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म व डॉक्यूमेंट्रीज के निर्माण के लिए संसार में कौन सा देश अग्रणी? जैसा कि आपको पता होगा भारत, USA, चीन और जर्मनी। दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा निर्माण के लिए संसार में कौन सा देश अग्रणी है? दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा USA, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और शेयर भी कर दें व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य जगह, जिससे कि दोस्तों